आज राखी के पावन अवसर पर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, जिसमें बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते हैं, लगा रहे हैं और राखी का त्यौहार मना रहे हैं। यह हिंदू एवं जैन धर्मों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह संदेश देती है कि बहन की विपत्ति के समय भाई हर हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे कि उन पर किसी भी तरह का कोई बाधा विपत्ति ना आए। इसी पावन अवसर पर एक देखिए एक दूसरे को लड्डू पेड़ा खिला रहे हैं। ये दीक्षा है, वो सुदीक्षा है और वो सरस्वती है। चलिए सभी को राखी के पावन अवसर पर हम गुरुजनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई। बहुत ही अच्छा और मनोरम सीन है। ये अर्जुन तो खूब लड्डू पेड़ा खा रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, कोई बात नहीं है। ये हंसी खुशी और सौहार्द आपसी प्रेम का त्यौहार है, इसे ऐसे ही बरकरार रखना है। ये देखिए जितेंद्र सर जी, वो जो है ना सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा, आपका भी नंबर आएगा, आप चिंतित मत होइए, ठीक है। और सोमनाथवा कहाँ भाग गया? सोमनाथ गया बाथरूम। चलिए अच्छी बात है। हाँ सोमनाथ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वाह वाह वाह, अति सुंदर है ना। ये पवित्र डोर और रिश्ते नाते का ये बंधन, भाई बहन का ये प्रेम और प्यार हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। तो दर्शकों, आप सभी को भी राखी के इस पावन अवसर पर टेक्नो हृषिकेश परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, बधाई, साथ ही साथ अनंत शुभकामनाएं कि ये राखी हमेशा इस तरह चलता रहे और इसकी गरिमा और मर्यादा के लिए हम सभी हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद।